वेलकम टू नई सुभास एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज टाइमलेस टेल्स अ फैबुलस इनिशिएटिव फॉर ऑल द स्टोरी लवर्स आउट देयर ब्रॉट टू यू बाय नई सुभा नरेटेड बाय हाजरा सलीम। पहाड़ों में कुछ तो ऐसा जादू था। एक कशिश थी जो एरन को अपनी तरफ खींचती थी। उसे जब भी मौका मिलता वो माउंटेन क्लाइंबिंग पे निकल जाता, कभी अकेले तो कभी अपने दोस्तों के साथ। अक्सर लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन एरन, उसे तो ऊंचाई से मोहब्बत थी। वो घंटों पहाड़ों पर खड़ा होकर कुदरत के नजारों को देखता रहता। मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवा और डूबता हुआ सूरज, ये सब उसके सुकून का सामान थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री तो उसने सिर्फ घर वालों की तसल्ली के लिए हासिल की थी, उसके इरादे तो आसमान छूने के थे। कोलोराडो की मशहूर 1400 फीट से जायद बुलंद चोटियों को सर करना उसका असली ख्वाब था। एक ऐसा ख्वाब जिसे पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। ये जुस्तजू उसे जगाए रखती और उसे मजीद ट्रेनिंग लेने और मेहनत करने का हौसला देती। 26 अप्रैल की सुबह एरन ने मामूल के मुताबिक अपना क्लाइंबिंग गियर पैक किया, साथ एक रस्सी, कुछ टूल्स, एक टॉर्च, दो सैंडविचेस, एक पानी की छोटी बोतल, एक पॉकेट नाइफ, हेडफोन्स और साथ साथ अपना वीडियो कैमरा भी रख लिया। फोन साथ रखने का तो कोई फायदा नहीं था क्योंकि ब्लू जॉन कैनियन में नेटवर्क कवरेज नहीं थी और एरन का इरादा दूर तक जाने का भी नहीं था। ब्लू जॉन कैनियन उसके घर से सिर्फ 11 किलोमीटर के फासले पर था, इसीलिए उसने ज्यादा सामान भी नहीं लिया और ना घर वालों को बताया कि वो कहाँ जा रहा है। वो दोपहर के खाने से पहले घर वापस आने के इरादे से निकला था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि किस्मत के इरादे तो कुछ और ही हैं। यूं तो तंग रास्तों से निकलने, रस्सी से ऊपर चढ़ने और फ्री क्लाइंबिंग जंप्स में एरन माहिर था, लेकिन आज वो वादी के हसीन नजारों में कुछ इस कदर गुम हो गया था कि 3 फुट ऊंचे कैनियन से उतरते वक्त उसकी लापरवाही की वजह से एक बड़ा पत्थर अपनी जगह से हिल गया जो बजाहिर मजबूत लग रहा था। चंद फुट नीचे फिसलकर गिरने के बाद जब एरन ने ऊपर देखा तो वो पत्थर भी नीचे गिर रहा था। खुद को बचाने के लिए एरन ने अपना हाथ फौरन ऊपर किया कि शायद वो पत्थर को रोक सके, लेकिन पत्थर जोर से टकराया और उसके दाएं हाथ को कुचल दिया। तकरीबन 350 किलोग्राम के इस पत्थर ने एरन के हाथ को मसल कर रख दिया। उसका हाथ पत्थर के वजन तले फंस चुका था और उसे निकालना नामुमकिन था। इस इम्पैक्ट से एरन कुछ देर के लिए शॉक में चला गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे दर्द का एहसास हुआ। उस वक्त एरन की कैफियत कुछ ऐसी थी मानो जैसे दरवाजे में उंगली फंसने के दर्द को किसी ने हजार गुना बढ़ा दिया हो। अगले 45 मिनट तक वो तकलीफ और बेबसी से चिल्लाता रहा, लेकिन उसे जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है और ना कोई उसे ढूंढने के लिए आने वाला है। एरन ने खुद को संभालने की कोशिश की और वहाँ से निकलने का रास्ता सोचने लगा। उसने अपने रॉक क्लाइंबिंग टूल्स की मदद से पत्थर को हटाने और तोड़ने की कोशिश की, मगर वो पत्थर टस से मस ना हुआ। इस जिस्मानी और जहनी मुशक्कत के बाद उसे भूख और लाचारी के एहसास के अलावा और कुछ हासिल ना हुआ, लेकिन जिन पहाड़ों से वो मोहब्बत करता था उसका हौसला भी उन पहाड़ों की तरह बुलंद और मजबूत था। हार मानने का इरादा तो उसने उसी वक्त तर्क कर दिया था जिस दिन उसने अपनी जिंदगी की पहली चोटी सर की थी। वो अगले 2 दिन तक पत्थर को हटाने की कोशिश करता रहा। एरन ने हर तरकीब आजमा कर देख ली थी। 2 दिन और गुजर गए लेकिन कोई हल ना निकला। 5वें दिन जब पानी और खाने के साथ साथ बचने की उम्मीद भी खत्म होने लगी तो एरन ने ये बात तस्लीम कर ली कि शायद यही जगह उसकी कब्र होगी। उस वक्त तक एरन का काफी खून बह चुका था और जिस्म का अक्सर हिस्सा सुन हो चुका था। पानी की कमी, कपकपाहट और कमजोरी की वजह से एरन बिल्कुल निढाल हो चुका था। मुश्किल की इस घड़ी में अब उसे किसी मंतक की नहीं बल्कि मुआवजे की जरूरत थी। फिर नीम बेहोशी की हालत में एरन ने एक छोटे बच्चे को देखा। उसके बाल बिखरे हुए से थे, आंखों में चमक और चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट थी जो किसी का भी दिल जीत सकती थी। उसकी शक्ल हूबहू एरन से मिलती थी। उसने देखा कि वो उस बच्चे के साथ खुशी खुशी खेल रहा है और ये भी देखा कि उसका दायां हाथ नहीं है। जब आंख खुली तो एरन को यकीन हो गया था कि ये आजमाइश अब खत्म होने वाली है। मुस्तकबिल की इस झलक ने उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी थी। उसे पता था कि अब उसे क्या करना है। फैसला बहुत मुश्किल था लेकिन जरूरी भी, क्योंकि वो समझ गया था
कि अगर उसने कदम नहीं उठाया तो वो कभी भी उस खुशहाल मुस्तकबिल को नहीं जी सकेगा जिसकी झलक उसने अभी अभी देखी थी। एरिन अपने बेटे से मिलना चाहता था और इसी चाह में खौफ और खुशी के बीच झूलते हुए उसने अपने बाएं हाथ से पॉकेट नाइफ निकाली, फिर अपने दाएं हाथ को देखा और एक साथ एक झटके में 127 घंटे की अजियत भरी कैद से रिहा हो गया। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गईं। एरिन रैल्स्टन आज भी कोलोराडो में रहते हैं। प्रोस्थेटिक आर्म लग जाने के बावजूद उन्होंने माउंटेन क्लाइंबिंग नहीं छोड़ी। इस हादसे के बाद वो महकूम, मजबूर या मायूस नहीं हुए बल्कि और मजबूत हो गए। पूरी दुनिया आज उन्हें एक मैकेनिकल इंजीनियर, माउंटेन क्लाइंबर और मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से जानती है, लेकिन उनके बेटे लियो के लिए ही इज अ सुपर हीरो। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी रोज एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।